गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उसको मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कौन सी चीज़ें खरीदी हैं और मुझे कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। उसके पहले बता दूँ 15 मई से 19 मई तक फ्लिपकार्ट पे बिग शॉपिंग डे चल रहा है, तो आपको फ्लिपकार्ट पर जरूर चेक करना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है इसे मुझे बहुत दिनों से खरीदने का मन था और बहुत ज़्यादा प्राइस थी, इसलिए मैं सोचती थी इतनी छोटी चीज़ के लिए इतना सारा पैसा वेस्ट कर। दिन आ गया मेरा और मैंने जस्ट इसे परचेस कर लिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैंने कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, और इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूं तो मैं बहुत जल्दी इसकी रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मंगाई हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, मैंने एक हाइलाइटर परचेस किया है और उसकी प्राइस और सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। और एक ये ब्रश ख़रीदा है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा लेने का मन था। एक्चुअली इसके सेट आते हैं तो मुझे सेट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, दैट्स वाई मैंने बस एक फाउंडेशन ब्रश लिया है। तो ये है मेरा फाउंडेशन ब्रश, काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में और इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी फुल डिटेल आपको देने वाली हूँ और इसकी रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा ये ग्रिप के साथ आता है। मैंने प्रोडक्ट ले लिया, काफ़ी शिमरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शिमरी है और ये प्रोडक्ट लग गया, पिगमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप चाहो तो आई शेडो की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो, शिमरी आई शेडो की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं इस ब्रश को मैंने न्यू परचेस किया है, तो मैं इसी ब्रश से इस हाइलाइटर को लगाने की कोशिश करती हूँ और आप देखिएगा कि कितने अच्छे से काम करता है और नहीं करता है। तो मैं अभी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। देन अब मैं ब्लेंड करूंगी इसे। सी माय नोज इतनी शाइन करने लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये इस ब्रश से नहीं लगता है इसलिए सही से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। मैं इसे अपने हाथों से एक बार करके देखती हूँ। आई थिंक आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गया है मेरी नोज़ पे।